पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आश को लेजेंडरी पोकेमोन हो से बैटल करने का मौका मिलता है, बट वो उसको कैच नहीं कर पाता। फिर आश को नोटिफिकेशन मिलती है कि उसने पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप के चारों टास्क को कंप्लीट कर लिया है और वो पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट प्रोफेसर ओक बताते हैं कि नॉर्दर्न रीजन में काफी खतरनाक ट्रेनर्स और पोकेमोन रहते हैं और इसके लिए तुम्हें हर एक रीजन में ट्रेवल करना होगा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। अब ऐश नॉर्दर्न रीजन के जर्नी के लिए निकल जाता है। सबसे पहले उनको जाना था जेनरेशन 3 यानी कि हुईन रीजन में। ऐश को देखने को मिलता है कि हुईन रीजन में सारे लोग काफी परेशान होते हैं। अचानक से काफी तेज सनलाइट आ चुकी थी जो कि नॉर्मल नहीं थी। इतनी तेज सनलाइट के चलते कुछ पेड़ों पर भी आग लग जाती है। ब्रॉक ऐश को बोलता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये किसी पोकेमोन के चलते हो रहा है और हमें उसको रोकना होगा वरना पूरा हुईन रीजन खत्म हो सकता है। बट ऐश बोलता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पोकेमोन है। वहां पर प्रोफेसर बर्च आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन ऐश हो। ऐश बोलता है कि हाँ मैं ही वर्ल्ड चैंपियन हूँ। प्रोफेसर बर्च बोलते हैं कि हुईन रीजन में अचानक से कुछ दिनों से सनलाइट काफी ज्यादा बढ़ गई है। सभी लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा पोकेमोन है जिसके चलते इतनी सनलाइट हो रही है, बट किसी को भी कोई पोकेमोन नहीं दिख रहा। हमने पूरा हुईन रीजन ढूंढ लिया है, हमें जल्दी ही उस पोकेमोन को रोकना होगा वरना हुईन रीजन खतरे में है। कोई भी पोकेमोन ट्रेनर अपने घर के बाहर नहीं निकलता। ऐश ब्रॉक और मिस्टी डिसाइड करते हैं कि वही हुईन रीजन को बचाएंगे। वो लोग हुईन रीजन की हर एक सिटी में जाते हैं और देखते हैं कि कहां पर वो पोकेमोन है, बट उनको एक भी सिटी में वो पोकेमोन नहीं दिखता है। वो ओशन में ट्रैवल करके एक दूसरे सिटी में जाते हैं पर तभी एक वेलॉर्ड आकर उनको अंदर डुबा देता है। ऐश ब्रॉक और मिस्टी समुद्र से बाहर आते हैं पर ब्रॉक बोलता है कि मैंने देखा कि नीचे कोई केव है, शायद उसके अंदर ही वो पोकेमोन हो। इसको ढूंढने के लिए ऐश वापस से पोकेमोन सेंटर में जाता है और अपने लैप्रेस को बुला लेता है। लैप्रेस पर बैठकर वो अंडरग्राउंड केव के अंदर जाते हैं बट उनको देखने को मिलता है कि वो केव पूरी तरह से खाली है, बट वहां पर और भी पानी होता है। ब्रॉक बोलता है कि हुईन रीजन के लोग को बचाने के लिए हमें यहां पर भी चेक करना पड़ेगा। ऐश मिस्टी और ब्रॉक और भी अंदर चले जाते हैं। फिर वो एक अजीब से जगह पर निकलते हैं और वहाँ पर उनको एक और सिटी देखने को मिलती है। ये थी सूटोपोलिस सिटी। वहाँ पर उनको वॉलेस और स्टीवन मिलते हैं। वो ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके थे। वो उस पोकेमोन को यहीं पर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उसको रोकने के लिए, बट उनको नहीं पता चलता कि वो पोकेमोन किधर है। ऐश मिस्ट्री और ब्रॉक को एक माउंटेन दिखता है। सब मिलकर उस माउंटेन पे चढ़ते हैं जहाँ पर उनको एक केव देखने को मिलती है। इस केव का नाम था केव ऑफ ओरिजिन। इस केव के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। ऐश ब्रॉक और मिस्ट्री को नहीं पता चलता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी ऐश अपने हुपा को बाहर निकाल के अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और बोलता है कि पमकाबू पोकेमोन को बाहर निकालो। हुपा अनबाउंड अपने रिंग का यूज करके पमकाबू को स्पॉन कर देता है, जिसके फ्लैशलाइट को यूज करके ऐश ब्रॉक और मिस्ट्री आगे बढ़ते हैं। उनको वहाँ पे एक ओपनिंग देखने को मिलती है जिसके अंदर वो चले जाते हैं। वहाँ पर काफी सारा लावा होता है। ऐश लावा में गिरने ही वाला होता है पर तभी ब्रॉक उसको बचा लेता है। तभी ऐश के ऊपर एक फ्लेम थ्रोअर पड़ता है। ऐश मिस्ट्री और ब्रॉक देखते हैं कि उस लावा के बीचों बीच लेजेंडरी पोकेमोन ग्राउडाउन था और इसी के चलते पूरे हुईन रीजन में काफी ज्यादा सनलाइट बढ़ गई थी। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें ग्राउडाउन को डिफीट करना होगा। तभी हुईन रीजन ठीक हो गया। ऐश अपने हुपा को वापस बुलाता है और भेजता है गॉड पोकेमोन आर्सियस को। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। दोनों में फाइट शुरू होती है। दोनों ही पोकेमोन काफी अच्छी तरीके से बैटल कर रहे थे बट आर्सियस अपने मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके फ्लाइंग टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके ऊपर ग्राउडाउन के अटैक असर नहीं करेंगे। आर्सियस जजमेंट अटैक का यूज करता है जिसको ग्राउडाउन लावा के अंदर जाकर डॉच कर लेता है। तभी आर्सियस अपने मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके वॉटर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है और वॉटर टाइप का जजमेंट अटैक मारता है जो कि सुपर इफेक्टिव था ग्राउडाउन पर। इससे ग्राउडाउन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो वीक हो जाता है। ऐश बोलता है कि आर्सियस यही मौका है, जल्दी से हाइपर बीम अटैक का यूज करो जो कि ग्राउडाउन पे लग जाता है। ग्राउडाउन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इरप्शन अटैक का यूज करता है जिससे आर्सियस पे काफी डैमेज पड़ता है। फिर ग्राउडाउन यूज करता है सोलर बीम अटैक का और क्योंकि आर्सियस वॉटर टाइप का हो चुका था तो उसको फिर से काफी डैमेज पड़ता है। ऐश अपने आर्सियस को बोलता है कि चलो बैटल को खत्म करे और आर्सियस को वाटर टाइप का जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है जो कि ग्राउडन पे लग जाता है और ग्राउडन हार जाता है। इसके बाद ग्राउडन वहां से चले जाता है। ऐश मिस्ट्री और ब्रॉक केव ऑफ ओरिजिन से बाहर निकलते हैं और उनको देखने को मिलता है कि सनलाइट बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। स्टीवन और वॉलेस वहीं पर होते हैं। ऐश उनको सारी चीजें बताता है और वो ऐश को थैंक यू बोलते हैं। सबके सब एक साथ बाहर निकलते हैं और उनको देखने को मिलता है कि काफी टाइम बाद हुईन रीजन के लोग बाहर आए थे और काफी ज्यादा खुश थे। सभी लोग ऐश को थैंक यू बोलते हैं। ऐश ब्रॉक और मिस्ट्री अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ऐश वहां से जाने ही वाला होता है पर तभी स्टीवन उसको रोक लेता है और बोलता है कि मैंने रिसेंटली एक शाइनी सेलेमेंस को कैच किया है। मैंने तुम्हारे ग्रिंजा के बारे में काफी कुछ सुना है और वो मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगता है, तो क्या तुम मेरे शाइनी सेलेमेंस के बदले ग्रिंजा को ट्रेड करोगे? सेलेमेंस एक शाइनी भी है, साथ में वो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। ये सूडो लेजेंडरी पोकेमोन भी है, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी डील होगी। ऐश बोलता है कि मैं और ग्रिंजा काफी टाइम से साथ हैं, हमारे बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है और ऐसा ग्रिंजा पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बिल्कुल भी इसको ट्रेड नहीं कर सकता। स्टीवन ऐश को ज्यादा फोर्स नहीं करता और बोलता है कि ठीक है जैसे तुम कहो। ऐश मिस्ट्री और ब्रॉक अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
वो होइन से सिनो जाते हैं, सिनो से युनोवा जाते हैं और युनोवा से कैल उस रीजन पहुंच जाते हैं। तभी उनके ऊपर एक ब्रांच अटैक कर देती है जिसको ऐश का गुनिंजा पोकीबॉल से बाहर आके कट कर देता है। तभी वहां पर लेजेंडरी पोकेमोन ज़ायगार्ड आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने कुछ टाइम के लिए गुनिंजा को तुम्हारे पास दिया था, बट अब हमें कैलोस के प्रोटेक्शन के लिए गुनिंजा वापस चाहिए। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो गुनिंजा से पूछता है कि क्या तुम ज़ायगार्ड के साथ वापस जाना चाहते हो कैलोस की प्रोटेक्शन करने के लिए। गुनिंजा बोलता है कि मैं तुम्हारे सबसे मेन टाइम और मेन बैटल पे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में खुद को प्रूफ करके तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनाना चाहता हूं। मुझे कैलोस की प्रोटेक्शन अब नहीं करनी है। ज़ायगार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे किसी भी हालत में गुनिंजा वापस चाहिए था कैलोस की प्रोटेक्शन के लिए। ऐश बोलता है कि क्या गुनिंजा कुछ और टाइम के लिए मेरे पास रह सकता है, क्योंकि अब मेरी काफी मेन बैटल्स आने वाली है। फिर उसके पास गुनिंजा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ज़ायगार्ड बोलता है कि बट उसके बदले मुझे कुछ और पोकेमोन चाहिए जो कि काफी स्ट्रांग हो और कैलोस की रक्षा कर सके। ऐश ये बात सुनकर अपने कुछ पोकेमोन्स को वहां पर रिलीज कर देता है, जैसे कि ग्लाइस्कोर, हेराक्रॉस और गार्चॉम। वो इन तीनों को वादा करता है कि मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें लेने वापस जरूर आऊंगा, बट कुछ टाइम के लिए तुम्हें कैलोस की रक्षा करनी होगी। वो तीनों ही पोकेमोन्स ऐश की बात मानकर कैलोस रीजन में रुक जाते हैं। ऐश उस जंगल से बाहर निकलता है, तभी उसको सरीना देखने को मिलती है जो कि अब कैलोस क्वीन बन चुकी थी। सरीना ऐश से मिलती है और वो मिस्टी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इससे पहले उसने मिस्टी को नहीं देखा था। मिस्टी भी सरीना को सबसे पहली बार देखती है। वो ऐश से पूछते हैं तो ऐश दोनों को एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराता है। सरीना बोलती है कि अब क्योंकि मैं कैलोस क्वीन बन चुकी हूँ तो अब मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर सकती हूँ तुम्हारे जर्नी पे। ऐश बोलता है कि ये काफी अच्छा रहेगा क्योंकि अब मैं अपनी जर्नी की सबसे बड़ी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे कुछ सपोर्टर्स चाहिए होंगे। ये सुनकर सरीना मिस्टी और ब्रॉक के साथ ट्रैवल करने लगती है। कुछ टाइम बाद ऐश, मिस्टी, सरीना और ब्रॉक अलोला रीजन पहुंच जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे मिस्टी और सरीना में राइवलरी बन रही है। ऐश को अलोला रीजन में प्रोफेसर कुकोई और ग्लेडियन वगैरह मिलते हैं। वहीं पर ऐश को एक चैलेंजर भी देखने को मिलता है जिसने रिसेंटली अलोला लीग जीती थी और अब वो ऐश को चैलेंज करना चाहता था अलोला लीग के चैंपियन बनने के लिए। ऐश इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो ट्रेनर अपने सबसे पहले पोकेमोन की तरह गोलिसो पॉट को निकालता है। वहीं पर ऐश चूज करता है अपने चार्जार्ड को और उसको मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। चार्जार्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करके गोलिसो पॉट को डिफीट कर देता है। ये देखकर वो ट्रेनर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो निकालता है अपने मिमिक्यू पोकेमोन को। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है और मिमिक्यू भी सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में हार जाता है। वो ट्रेनर एक एक करके अपने सारे पोकेमोन्स को निकालता रहता है और चार्जार्ड एक एक अटैक में सबको हरा देता है। चार्जार्ड ने उस ट्रेनर के 6 पोकेमोन्स को एक ही अटैक में हरा दिया था। ये देखकर यह सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। प्रोफेसर कुकोई बोलते हैं कि ऐश तुम अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो।